नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका सरदार अपने YouTube चैनल पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करेंगे एल्केन का वीडियो। जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, एल्केन के वीडियो शूटिंग में हम लोग सबसे पहले ध्यान देखेंगे कि एल्केन होता क्या है। और जब बात एल्केन की आती है तो एल्केन के बारे में आप समझिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप देखिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाएगा। ये एल्केन है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्केन के अंदर एकल बंधन या सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां n का वैल्यू हम लेते हैं 1, 2, 3, 4। एल्केन का एक खासियत है, एल्केन जो होता है वह एकल बंधन से हमेशा जुड़ा रहता है। नेमिंग कैसे करेंगे, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक हो, अगर कार्बन परमाणु संख्या की एक हो तो उसे हम लोग मेथ कहते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या अगर दो हो तो एथ कहते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या अगर प्रोप हो, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, छह हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट और नौ हो तो नॉन और दस हो तो डेक करते हैं। और इसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो फिर और होता है नाम मोनोडाई, सब करके हम लोग लगाते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन तत्काल अभी इतना ही। जैसे मान लिया अगर आपके पास कोई फार्मूला दे रखा है और मैं जैसे बोलूं तुमसे, आपसे क्वेश्चन बोला क्या कि सबसे पहले आप नाम लिखिए, ब्यूटेन का फार्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखें, स्ट्रक्चर लिखना है, सूत्र भी लिखना है। तो पहले सबसे पहले ब्यूटेन लगा है तो हम पहचान लेंगे कि एन ई लगा है तो एल्केन का है। पहचाने कैसे होगा, एन ई लगा है तो क्या होगा, एन ई लगा है तो एल्केन का हो गया। अब जैसे ही एन ई लगा है तो एल्केन का हुआ तो एल्केन का फार्मूला उठाएंगे। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ध्यान सुनिएगा, फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2 और याद कर लेंगे क्या बाकी तो लिख लिए। अब n का वैल्यू कितना रखेंगे तो रूट वर्ड से पता करेंगे। तो एथ मेथ प्रोप ब्यूट n का वैल्यू आया चार, तो n का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर चार, तो C4H4 प्लस दो, तो C4 4 × 8 दो कितना हो गया 10, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 10। यानी ब्यूटेन का जो सूत्र होगा वो होगा कितना बुआ, C4H10। अब हम लिखना है संरचना, तो संरचना कैसे लिखेंगे बउआ, तो देखिए कार्बन जो होता है ना, कार्बन की संयोजकता होती है चार, कार्बन की वैलेंसी कितना है 4, कार्बन 14 ग्रुप एलिमेंट है, 14 ग्रुप एलिमेंट होने के कारण कार्बन के पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर शो करता है, इसकी वैलेंसी चार होती है। देहाती भाषा में ऐसे समझेंगे कि कार्बन मांगे चार गो हाथ। कार्बन हमेशा चार गो बॉडी गार्ड लेकर घूमेगा, चार गो से कम बॉडी गार्ड में वो हमेशा एडजस्ट करता नहीं है। कार्बन कम में भी एडजस्ट करता है इसीलिए वो ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, लेकिन अभी आप लोग का जो लेवल है उसमें जाने कार्बन मांगे चार गो हाथ ना, कार्बन का हमेशा क्या गो पूरा रहना चाहिए, चार गो बॉन्ड हर हमेशा पूरा रहना चाहिए। एल्केन में कौन बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड या एकल बंधन। तो कार्बन कै गो है, तो पहले दही चूड़ा पसार देंगे, चार गो कार्बन लिख देंगे, एगो दो गो तीन गो चार गो लिख दिए बउआ। चार गो कार्बन लिखने के बाद सब जगह हम कार्बन का मांगे, कार्बन मांगे चार गो हाथ और कार्बन मांगे कै गो हाथ बउआ, चार गो। अब जब देखोगे कार्बन का देखोगे तो एगो हाथ, दो गो हाथ, तीन गो हाथ, चार गो हाथ, हाथ बोले तो बॉन्ड इसका, इसी तरह इसका चारों हो गया, इसी तरह सबका चार चार हो गया। और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो तीन गो दो गो पाँच गो दो गो सात गो तीन गो दस गो, यानी हाइड्रोजन में कितना मिल गया 10। इस प्रकार संरचना और सूत्र दोनों आप आसानी से लिख सकते हैं। ब्यूटेन के बाद अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा बाबू हेक्सेन का लिखे, किसका लिखे, हेक्सेन का। बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले हम लोग पहचाने कि एन ई लगा है, लास्ट में पहचाने एन ई लगा है इसीलिए एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन का फॉर्मूला ठूसेंगे तो लिख दिए CnH2n+2 लिख दिए। उसके बाद हेक्स लगा है तो रूट वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, हेक्स लगा है तो छ गो, हेक्स लगा है तो कै गो, छ गो। तो एन का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो छ लेना पड़ेगा, तो C6H2×6+2 हिसाब तो ऐबे करता है, छः दूना बारह, बारह गो दो गो चौदह गो, तो एच कै गो हो जाएगा,
14 को। ये हो गया फार्मूला किसका, हेक्सेन का। अब कै गो कार्बन है तो 6 गो, तो पसार देंगे 6 गो, 3 गो 3 गो 6 गो। आ वाला गाना याद रखेंगे, कार्बन मांगे 4 गो हाथ, कार्बन मांगे 4 गो हाथ, कार्बन मांगे 4 गो हाथ, हरे रामचंद्रा कार्बन मांगे 4 गो हाथ। तुम्हें को बोल रहे हैं कार्बन मांगे 4 गो हाथ, हम बैठा देंगे और कहानी खत्म। समझ में आया? यानी अगर आप इस तरह से बनाएगा तो बड़ी आसानी से बना लीजिएगा, बड़ा इजी सवाल, एकदम धकाधक 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 बना दीजिएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट में बता रहा हूँ। जैसे मान लो पेंटेन, जब बात हम लोग पेंटेन का करते हैं तो पेंटेन का जब आप लोग कीजिएगा तो देखिए भाई, पेंटेन पेंटेन नहीं है, पेंटेन। तो सबसे पहले ए नहीं लगा है तो एलकेन का होगा, ये समझना पड़ेगा। पेंट है तो क्या होगा, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट। एन का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 5। तो फॉर्मूला ठू दीजिए एलकेन वाला, सी एन एच टू एन प्लस 2, एन का वैल्यू लेना है 5। तो सी 5 एच 2 गुने 5 प्लस 2, तो सी 5 5 दुना 10 2 12 एच 12 हो गया। तो कार्बन कैगो लिखना पड़ेगा, 5 गो, तो 5 गो लिख दिया कार्बन। एच कैगो होना चाहिए 12, तो सब लगा लिख दिया ऐसे ऐसे, और एच 12 है तो सभी जगह क्या करेंगे, फैला दिए, ऐसा लिख दिए। और ऐसा लिखने के बाद यही हो गया क्या, संरचना सूत्र। अगर ये नहीं समझ में आए तो मैं एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो लास्ट बता देता हूँ, और जैसे मान लो लिखा प्रोपेन लिखने के लिए, तो प्रोपेन लिखने के लिए क्या करोगे बबुआ, तो प्रोप बोला तो ए नहीं लगा है तो एलकेन का, अब प्रोप बोला तो एथ मेथ प्रोप, एन का वैल्यू 3 लेना है, एलकेन का फार्मूला ठूसेंगे सी एन एच टू एन प्लस 2। एलकेन का फार्मूला क्या होता है, ललन सी एन एच टू एन प्लस 2। कटफोड़वा काठ गोदाम आँख बहा देवो, सुन जल्दी ध्यान से, कटफोड़वा कहीं के दिमाग खराब करके रखा उसी समय से, सी एन एच टू एन प्लस 2। कौन फार्मूला एलकेन का, सी एन एच टू एन प्लस 2। और ये फार्मूला लगाएंगे सी एन एच टू एन प्लस 2, तो एन का वैल्यू कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो सी एन 2 गुने 3 प्लस 2, तो सी एन सी 3 हो गया। और 3 गुना 6 होगा 2 8 गो, एच कै गो होगा 8 गो, तो कार्बन कै गो लेंगे 3 गो लेंगे, एच कै गो लेना है तो 8 गो, तो ऊपर नीचे लेकर बैठा देंगे। अरे मर्द ऐसे बनिया कथी होगा, इतना अच्छा तो समझा दिए कि अगर एलकेन लेना है तो पहले पहचान लीजिएगा एलकेन, तो पहचान लिए एलकेन, कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में एन ही लगा रहेगा। अब एलकेन जब पहचान लिए तब उसके बाद क्या करेंगे, तो एलकेन का फार्मूला डाल देंगे सी एन एच टू एन प्लस 2, और रूट वर्ड से पकड़ लेंगे कि कै नंबर लगाना है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, और बैठा कर निकाल लीजिएगा फार्मूला निकाल। लेकिन लफड़ा अब ऐसा नहीं है, अब तक नाम दिया रहेगा तब लिखेंगे, अब बोलेगा बउआ रे फार्मूला दे दिले, बोलेगा नाम पता, निम्नलिखित में से कौन एलकेन है, तो बड़का सवाल थोड़ा ही है, क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से कौन एलकेन है, तो बड़का जाकर लड़का सा मुंह बांधने लगता है तरीक। एकदम इजी आसान सवाल, नवीन कुमार को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसा ही गर्दा मिलता रहेगा, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। कैसे तो समझिए, अगर फार्मूला दिया रहेगा तो चुटकी में आंसर देंगे, वो कैसे कहता है कि अगर एलकेन कहता है, एलकेन का फार्मूला की कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगुने से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन की संख्या। कहानी नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए, कार्बन जितना रहेगा ना ओकरा दुगुना कर देना, आ ओकरा बाद में 2 जोड़ देना, अगर उतना मैच करता है तो वही होगा एलकेन। जैसे अगर बोलेगा ऑप्शन दिया 4 को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड ना है रे बहु, और ना उतना हाई फाई यूट्यूबर आती आओ, तोनी लाई कल्याण कर तोनियो तक मैं का ध्यान दे तक मिटाव छियाओ तो टाइम लगता ही तक देखा। अब देखो क्या करबे, करेंगे क्या हो, तो हाई देखिए, मान लो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन एलकेन है चुनिए, तो सी फोर एच 8, दूसरा ऑप्शन सी फोर एच 6, फिर तीसरा ऑप्शन सी फोर एच 9, लिख दिए, एक बार लिखते हैं सी फोर एच 6 लिख दिए। अब 4 का ऑप्शन दिया, बोलेगा बोलो बताओ कि इसमें से कौन जो है वह एलकेन है, तो एलकेन क्या कहता है, एकदम ध्यान सुनना, एलकेन कहता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या जो होती है उसका दुगुना कीजिए, वो में 2 जोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगा। तो देखिए कार्बन कै गो है, 4 गो, 4 का दुगुना कीजिए तो डायरेक्ट 8, अभी 2 जोड़ेंगे तो 10 पूर्जा रहती, तो होगा नहीं, 4 का डबल करेंगे, रूल कहता है जो कार्बन रहेगा उसको डबल करना है, 2 जोड़ना है, तो 4 दुना 8 2 10 नहीं हुआ, इसको करेंगे तो 4 दुना 8 2 जोड़े हैं तो 10 भी नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको करेंगे तो 4 दुना 8 दू 10, तो यो नहीं हुआ, माने में से कोनो एलकेन नहीं है। तू सोचा है कि
चार गो ऑप्शन में से कोनो ना कोनो तो फंसबे करते, तीन गो चेक कर लीजिए चौथा का आंसर हो जाता है, वैसा वाला बात ना है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम आंसर लिखेंगे, जैसे मान लो लिख दिए सी पांच आ एच बारह, तो पांच का डबल कितना होगा दस, आ दस में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा बारह, यानी ई हो गया एल्केन। अब कार्बन है पांच तो नाम होगा कथी, पांच में होता है कॉमन, एथ में प्रोप, ब्यूट, पांच में हो गया पेंटेन। घर के पेंट करवा लीजिए, समझ में आया, यानी कहानी खत्म। एल्केन को आप कैसे समझ सकते हैं, एल्केन का फॉर्मूला वाला रहेगा तो दुगुने से दो अधिक याद रखिएगा, और अगर डायरेक्ट नाम दिया रहे तो लास्ट में एनी देख लीजिएगा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा एल्केन का वीडियो समझ में आया होगा। एल्केन के बाद हम लोग जस्ट अगले वीडियो में एल्कीन के साथ उपस्थित होंगे, तब के लिए धन्यवाद, आपका बहुत दिन शुभ हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।